इधर कुछ समय से महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य चर्चा का विषय रहा है। प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने के लिए कई उपक्रम किए गए हैं। प्रजनन अधिकार की व्यापकता बढ़ी है। यद्यपि माहवारी प्रजनन स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है, किंतु इसको आवश्यक महत्व नहीं मिला है। क्यों? हमारे समाज में माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी की कमी इसलिए भी है क्योंकि आज भी समाज में खुलकर बात नहीं की जाती है। नीति, योजना और गतिविधि तीनों स्तर पर माहवारी स्वच्छता के संवाद में कमी है। जानकारी के अभाव से लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। बहुत सी लड़कियां 5-6 दिन विद्यालय नहीं जाती हैं। अध्ययन बताते हैं कि देश भर में करीबन 23% लड़कियां माहवारी शुरू होने के दौरान विद्यालय छोड़ देती हैं। माहवारी से संबंधित आवश्यकताओं की अनदेखी करने का एक मुख्य कारण माहवारी से जुड़ी शर्म तथा भ्रांतियां हैं। यदि महिलाएं एवं किशोरियां अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए स्वयं से शुरुआत करें तथा जिनके पास कार्यवाही करने की शक्ति हो, जैसे सरकार, समुदाय तथा परिवार, वे उनका साथ दें, तो महिलाएं एवं किशोरियों की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। यदि हम सब माहवारी शब्द बोलने का साहस करें तो माहवारी से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करने के दायरे में व्यापकता आएगी। माहवारी के बारे में जो हमें पहले जो शर्म थी, लाज हया थी, इसको हम पहले बहुत फील कर रहे थे कि बच्चों के सामने कैसे बोले, कैसे नहीं बोले, लेकिन अब हमें इनके बारे में जब प्रशिक्षण मिला तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आया कि हाँ, ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, उन्हें बताना है, समझाना है। प्लस अब मैं इस मुद्दे पे खुलकर छात्राओं से बात करती हूँ और मुझे ये महसूस हुआ कि सभी महिला शिक्षिका को माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी जरूर दिया जाए, जिससे उनकी शर्म और झिझक दूर हो। मेरे विद्यालय में शौचालय एवं पानी की व्यवस्था है और हम माहवारी के दौरान टेंशन फ्री होकर स्कूल आते हैं। हमारे विद्यालय में माहवारी के दौरान उपयोग किए हुए कपड़े एवं पैड की सुरक्षित निस्तारण की सुविधा मिलती है। हम सभी लड़कियां खून की कमी दूर करने के लिए हर हफ्ते आयरन की गोली स्कूल में खाते हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, मैं महिलाओं की जरूरत के सामान को उपलब्ध करा रही हूँ। मेरी परचून की दुकान है, पैड को बेचने से मेरी आमदनी तो बढ़ी हुई है, मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। जो महिलाएं पैड नहीं इस्तेमाल करती हैं, उनको कपड़े से साफ सफाई का तरीका बताती हूँ। सही जानकारियाँ महिलाओं तक पहुंचाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं सरोज सिंह ब्लॉक चिनेट की आशा संगनी के पद पर कार्य करती हूँ। हमारे कार्य के दौरान महिलाएं हमसे माहवारी स्वच्छता के बारे में पूछती थी, तब मुझे बहुत ही घबराहट होती थी क्योंकि हमें पूरी जानकारी खुद ही नहीं थी। शिक्षण के दौरान जो मुझे जानकारियाँ मिली, मैंने अपने क्षेत्र की आशाओं को बताया और उन्हें प्रोत्साहित किया। मैंने उन्हें बताया महिला और किशोरी बैठक में माहवारी स्वच्छता पर सही जानकारी दें। अब मुझे घबराहट नहीं, विश्वास है। माहवारी के मुद्दे पर खुलकर बात करने से जहां महिलाओं एवं किशोरियों की जानकारी बढ़ी है, वहीं वो सशक्त भी हुई हैं। जब हमारा गांव खुले से शौच मुक्त हो गया तो माहवारी में निकलने वाले गंदे कपड़े और पैड का सुरक्षित निस्तारण एक चुनौती थी। जानकारी होने के बाद हमारे गांव की महिलाएं और किशोरियां माहवारी से निकलने वाले गंदे कपड़े और पैड का सुरक्षित निस्तारण कर रही हैं। यह भी स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम लड़के इस विषय पर तो आपस में बातचीत करते थे, पर इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। हम सुनना तो चाहते थे पर बड़े हमें भगा देते थे, कहते थे यह आप लोगों का विषय नहीं है। पर माहवारी के बारे में जब हमने मीटिंग में सुना तो बहुत अजीब लगा और शर्म भी आई। ऐसा लगा या तो महिलाओं का मुद्दा है, इस पर लड़कों के साथ क्यों बातचीत हो रही है। पर कार्यक्रम से जुड़ने पर और लगातार मीटिंग में आने पर धीमे धीमे मेरी सोच में बदलाव आने लगा। अब मुझे लगता है माहवारी तो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें शर्म या झिझक की क्या बात है। जैसे बढ़ती उम्र में लड़कों के अंदर कई बदलाव आते हैं, वैसे ही लड़कियों में माहवारी यानी शुरू होती है। अब हमारे गांव में लोग माहवारी या इससे जुड़े मुद्दों पर हंसी ठिठोली नहीं करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो गांव खुले में शौच मुक्त हो रहे हैं, उनमें ODF प्लस गतिविधि के रूप में माहवारी की जानकारी फैलाना और उसमें लोगों को जागरूक करना, समुदाय को इसके साथ जोड़ने के लिए कार्रवाई चल रही है। हम लोग सभी से अनुरोध करेंगे कि इस अभियान में जुड़ें
और इसमें स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे, इसमें महिलाओं के सम्मान संबंधित जुड़े, महिला सशक्तिकरण संबंधित मुद्दों को सबके लिए अवगत हो जाएं, और सभी एक बार अवगत होने के बाद अपने घर में, अपने मोहल्लों में, अपने समाज में इसके बारे में खुली चर्चा करके जागरूकता फैलाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए सभी को इस अभियान में जुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।